लेकिन यार शुरू कहाँ से करूँ? मार्केट में इतना कंपटीशन है, आज अगर कोई भी बिजनेस करो तो उसमें टाइम चाहिए और पैसा भी। मेरे पास तो दोनों ही नहीं है यार। टाइम सारा पढ़ाई में जाता है और पैसे घर वाले देंगे नहीं। तो 3 साल से एक ही बात किया जा रहा है, यार तुझे क्या लग रहा है मैं बहाने मार रहा हूं? बहानों का पता नहीं, लेकिन तू अपने सपने जरूर मार रहा। तू मुझे देख लेना यार, आज से 3 साल पहले मैं क्या था? कुछ भी नहीं। जीरो से स्टार्ट किया था मैंने अपना बिजनेस, और आज 3 साल बाद मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपनी कंपनी को मैनेज करता हूँ। मेरी कंपनी का टर्नओवर इतना है कि आज से 3 साल पहले एक सपना था। चल छोड़ना यार, पिज्जा खाएगा? क्या सोच रहा है यार, जो आ रहा है दिमाग में स्टार्ट करना। यार परफेक्शन के चक्कर में मैं शुरू ही नहीं कर पाता। तो कुछ ज्यादा बड़ा स्टार्ट मत कर, लेकिन स्टार्ट तो कर यार। सबकी हालत ना ऐसे ही होती है स्टार्टिंग में। तो किसी भी बिजनेसमैन की स्टोरी उठाकर देख ले, सब कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में। उन्हें ये पता होता है कि क्या करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे करना है। क्या आपको पता है अमेज़न की शुरुआत 1994 में केवल बुक बेचने से हुई थी? जेफ बेजोस ने स्टार्टिंग में ये सोचा होता कि नहीं यार, मुझे तो स्टार्टिंग से ही बड़ा करना है, मुझे स्टार्टिंग से ही परफेक्शन लाना है, तो आज अमेज़न की शुरुआत ही नहीं हो पाती। हर बड़ी कंपनी की शुरुआत परफेक्शन से नहीं होती, लेकिन हर बड़ी कंपनी शुरुआत। देखो मैंने कहा था ना, कम बजट और बिना सपोर्ट के बावजूद वो लोग कर जाते हैं। ओ हेलो, किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं है, बस ऐसे आइडिया सोच रहा हूं। यार तू 3 साल से सोच ही रहा है, शुरू कब करेगा? यार ये फोन तो 2 महीने से बंद पड़ा है।